हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी की। मैं हूं आप सभी का दोस्त एंड होस्ट साहिल कपूर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बैटल करवाने जा रहे हैं सेनिस्टियर 6 वर्सेस हमारे इंडियन सुपर हीरोज के बीच में, एंड जाने वाले इस इंटरेस्टिंग सवाल का जवाब कि स्पाइडरमैन की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सुपर विलन्स की टीम सेनिस्टियर 6 क्या बीट कर सकती है हमारे इंडियन सुपर हीरोज को या फिर नहीं। तो यस, अगर आपको इस इंटरेस्टिंग सवाल का जवाब जानना है तो यार वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। एंड हाँ, क्या सच में विदेशी सुपर विलन हरा पाएंगे हमारे इंडियन सुपर हीरोज को? तो इस सवाल का जवाब भी अगर जानना है तो वीडियो एंड तक तो जरूर ही देखना। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाने की एक छोटी सी गुजारिश है आप सभी से, तो यार इसको पूरी कर देना। सो शुरू करते हैं आज की हमारी फर्स्ट बैटल से, जो कि होने वाली है डॉक्टर ऑक्टोपस वर्सेस रोबोट एके चिट्टी के बीच में। तो यार देखो, डॉक्टर ऑक्टोपस की फर्स्ट अपीयरेंस इन मूवीज की बात कर रहा हूँ, वो हमें देखने को मिली थी स्पाइडरमैन की ट्रिलॉजी जो टॉबी मैकवायर वाली थी उसमें देखने को मिली थी। एंड उसमें ही हमें इस बात का भी पता चला कि डॉक्टर ऑक्टोपस की ओरिजिन क्या है एंड साथ ही में उनकी पावर्स एंड एबिलिटीज क्या क्या है। तो अभी उनके बारे में बात ना करते हुए अब मैं बात करता हूँ चिट्टी के बारे में। तो यार चिट्टी को भी हम बेसिकली जानते हैं कि उसकी पावर्स एबिलिटीज एंड ओरिजिन क्या है, एंड बेसिकली वो एक रोबोट है ना कि एक ह्यूमन। और वहीं दूसरी तरफ जो डॉक्टर ऑक्टोपस है वो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन है, यानी कि वो रोबोट एके चिट्टी जैसे एआई को भी तैयार कर सकते हैं, यानी कि प्रॉपर रोबोट के जितना बराबर तो नहीं बनेगा बट हल्का फुल्का बना सकते हैं, वो भी एक आविष्कारक है। एंड अगर मैं बात करूँ यहाँ कंक्लूजन की, तो यार देखो, डॉक्टर ऑक्टोपस अपनी पावर्स एंड इंटेलिजेंसी के चलते रोबोट को अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर सकते हैं। यस, इट इज ट्रू। या फिर वो उसके सिस्टम को हैक करके अपने जितना मतलब अपने प्रति वफादार या फिर अपना गुलाम तक बना सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये पॉइंट जाता है ऑक्टोपस को। नेक्स्ट बैटल, इलेक्ट्रो वर्सेस जीवन। तो यार देखो, इलेक्ट्रो की फर्स्ट अपीयरेंस इन मूवीज, कॉमिक्स की बात चली नहीं है यहाँ पर, यहाँ बात करूँ मैं मूवीज की। तो यार इलेक्ट्रो की फर्स्ट अपीयरेंस हमें देखने को मिली थी द अमेजिंग स्पाइडरमैन डुओलॉजी में, जो एंड्रो गारफील्ड वाली थी उसमें हमें देखने को मिला था इलेक्ट्रो। एंड हमने वहां पर देखा इलेक्ट्रो की ओरिजिन एंड उसकी पावर की, उसकी ओरिजिन क्या थी, कैसे इलेक्ट्रो बना एंड उसकी पावर क्या क्या है। बेसिकली इलेक्ट्रो की पावर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कंट्रोल करना, या फिर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक से बनी हुई चीज़ को कंट्रोल करना, डिस्ट्रॉय करना, यहाँ तक कि अपने इशारों पर नचाना। बट वहीं अगर मैं बात करूँ जीवन की, तो यार देखो, इन्हीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बल्ब से वो भी बना, यानी कि जो अपना जीवन है वो भी इसी सेम कॉन्सेप्ट से बना, इसी सेम नहीं है मतलब उसकी पावर का सोर्स भी एक हद तक यही चीज़ है जो इलेक्ट्रो की है, यानी कि अगर इलेक्ट्रो उस पर अपनी इलेक्ट्रॉनिक पावर से वार करेगा तो देखो जो जीवन है वो कमज़ोर होने के बजाय ज़्यादा पावरफुल होता जाएगा। तो मुझे कहीं से लगता ही नहीं है कि जो इलेक्ट्रो है वो जीवन को डिफीट कर पाएगा, बीट कर पाएगा, क्योंकि एक तरह से इलेक्ट्रो के हर अटैक जीवन की एनर्जी का सोर्स बनते जाएंगे और जीवन की एनर्जी को और ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे। और दूसरी बात, इलेक्ट्रो जीवन को विदाउट उसके हार्ट के मार भी नहीं सकता, हर्ट कर सकता है बट मार नहीं सकता। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर ये पॉइंट जाता है जीवन को। नेक्स्ट बैटल, सैंडमैन वर्सेस सुपर सिंह। तो देखो यार, अब सैंडमैन का कंसेप्ट आप सभी को पता है एंड उसकी जो फर्स्ट अपीयरेंस थी इन मूवीज वो हमें देखने को मिली थी टॉबी मैकवायर वाली ही स्पाइडरमैन ट्रिलॉजी में, एंड वहां पर हमने उसकी पावर्स एबिलिटीज भी देखी थी। एंड उसकी पावर्स बेसिकली कुछ ऐसी है कि वो अपने शेप को शिफ्ट कर सकता है, यानी कि वो एकदम से ह्यूमन तो बन सकता है एंड साथ ही में अपने शेप को शिफ्ट करके एकदम से सैंड भी बन सकता है, इसीलिए उसे कहा जाता है सैंडमैन। एंड इसी के साथ वो अपने शरीर को काफ़ी ज़्यादा बड़ा भी कर सकता है एंड सॉलिड भी कर सकता है, यानी कि वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत भी बन सकता है एंड काफ़ी ज़्यादा बड़ा भी और छोटा भी, एंड उसको डिस्ट्रॉय करना, उसको तबाह करना ऑलमोस्ट नियरली इम्पॉसिबल है। बट वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ सुपर सिंह की, तो यार देखो, सुपर सिंह की स्ट्रेंथ उसके मुकाबले में ज़्यादा है, यानी कि जो अपना सैंडमैन है उसके मुकाबले में सुपर सिंह की स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है, स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा है एंड ड्यूरेबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा है। तो यार देखो, जो अपना सुपर सिंह है वो पावर के मामले में तो सैंडमैन से आगे है एंड वो सैंडमैन को डिफीट कर सकता है, उसे रोक सकता है, हर उसके वार को रोक सकता है, उसकी प्लानिंग को नाकामयाब कर सकता है। बट
पॉइंट टू बी नोटेड माई लॉर्ड, कि जो अपना सुपर सिंह है वो सैंडमैन को मार नहीं सकता, हरा सकता है, उससे ओवर पावर कर सकता है, बट उसे मार नहीं सकता क्योंकि सैंडमैन को मारा ही नहीं जा सकता। बट हाँ, अगर ऐसा हुआ कि सैंडमैन आया सुपर सिंह को मारने, तो वो सुपर सिंह को मार ही नहीं पाएगा, हरा ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो उससे ज़्यादा पावरफुल है। तो इस बार ये पॉइंट मुझे देना पड़ेगा यहाँ पर सुपर सिंह को। नेक्स्ट बैटल, मिस्टीरियो वर्सेस फ्लाइंग जेट। तो यार देखो, मिस्टीरियो की फर्स्ट अपीयरेंस इन मूवीज एक बार फिर से हमें, आप सभी को पता है कि वो देखने को मिली थी हमें स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में, जो कि टॉम हॉलैंड वाली है। एंड उसमें ही हमें पता चला कि मिस्टीरियो कौन है, इसकी ओरिजिन क्या है, एंड एमसीयू में ये कितने पहले से एग्जिस्ट करता चला आ रहा है। एंड मिस्टीरियो वैसे एक नॉर्मल ह्यूमन है, एंड इसकी सुपर पावर, इसके पास कोई सुपर पावर ही नहीं है, ये सिर्फ इल्यूजन दिखाकर या फिर यूं कहें दूसरी भाषा में बेवकूफ बनाकर सुपर हीरो बना है। बट इसकी इल्यूजन इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है कि ये किसी को भी आसानी से चकमा दे सकता है, यहाँ तक कि इसने स्पाइडरमैन को ऑलमोस्ट मार ही दिया था उसकी स्पाइडर सेंस होते हुए भी। तो देख सकते हो कि ये मिस्टीरियो कितना ज़्यादा पावरफुल है। एंड जो फ्लाइंग जेट है वो तो इसके सामने कुछ है ही नहीं, मतलब अगर एक बार जो अपना मिस्टीरियो है उसको प्रिपरेशन टाइम मिल जाता है तो यार वो फ्लाइंग जेट के एल लगा देगा बड़ी ही आसानी से। बट वहीं दूसरी ओर अगर फ्लाइंग जेट मिस्टीरियो को प्रिपेयर होने के लिए प्रिपरेशन टाइम ना ही दे, एंड साथ ही में जो फ्लाइंग जेट है वो अपनी पावर की मदद से उसे ओवर पावर भी कर सकता है, तो यहाँ पर फ्लाइंग जेट के पास दो एबिलिटीज है, या तो वो मिस्टीरियो को कोई भी प्रिपरेशन टाइम ना दे, एंड साथ ही में जो फ्लाइंग जेट की पावर स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी है वो हर मामले में मिस्टीरियो से ज़्यादा आगे है। तो यहाँ पर जो चांसेस हैं इन दोनों के जीतने के वो 50-50 हो जाते हैं, क्योंकि यार अकॉर्डिंग टू पावर लेवल यहाँ पर फ्लाइंग जेट जीतेगा, बट अकॉर्डिंग टू इंटेलिजेंस स्किल्स और प्रिपरेशन टाइम यहाँ पर मिस्टीरियो की विजय होगी। तो यार ये तो टाई वाली सिचुएशन हो गई, तो यहाँ पर फिलहाल मैं इस बैटल को टाई करना चाहूँगा, एंड साथ ही मैं यही बैटल का रिजल्ट मैं आप सभी पर छोड़ता हूँ। मतलब मेरे हिसाब से जो टाई है, बट आपके हिसाब से ये क्या है, मतलब इन दोनों में से कौन जीतेगा, मिस्टीरियो या फिर फ्लाइंग जेट, इसका फैसला आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स आप सभी के लिए खुला है, तो वहाँ पर कमेंट करो यार, जल्दी करो जाओ। नेक्स्ट बैटल, वेनम वर्सेस क्रिश। तो देखो यारो, वेनम की फर्स्ट अपीयरेंस हमें देखने को मिली थी टॉबी मैकवायर वाली स्पाइडरमैन की ट्रिलॉजी में ही, एंड उसी में हमने देखा था कि जो वेनम है वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एंड उसकी ओरिजिन क्या है, एंड उसकी पावर्स एंड एबिलिटीज़ क्या है, यहाँ तक कि उसकी वीकनेसेस भी उसमें बता दी थी। एंड साथ ही में फिर 2018 को आई वेनम इसकी सोलो मूवी, जो कि बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही, काफ़ी अच्छी कमाई की, एंड साथ ही में उसमें हमें वेनम की ट्रू पावर भी देखने को मिली, उसका ट्रू पोटेंशियल देखने को मिला। बट अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर क्रिश की, तो भाई क्रिश वेनम के सामने उतना ज़्यादा देर तक भी नहीं टिकने वाला है, क्योंकि यार देखो क्रिश एक तो बेसिकली उसकी जो पावर्स है वो ह्यूमन के मुकाबले में थोड़ी ही ज़्यादा है, यानी कि वो फ्लाई कर सकता है, अपनी तरफ एनर्जी शील्ड को क्रिएट कर सकता है, किसी भी चीज़ को अपनी तरफ आने से रोक सकता है, फोर्स फील्ड के थ्रू उसे यहाँ से वहाँ फेंक सकता है, मतलब काल की तरह, जैसे हमने देखा था क्रिश 3 में। बट यार उसकी हीलिंग भी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, यानी कि उसको छोटे मोटे वेपन से हार्म किया जा सकता है। बट वहीं अगर मैं बात करूँ वेनम की, तो यार वो चुटकियों में हील कर लेता है अपने किसी भी होस्ट को, एंड उसको मारना इम्पॉसिबल है, यानी कि अगर तुम उसे मारने जाओगे तो यार वो मरेगा ही नहीं। एंड साथ ही में जो क्रिश है वो सिर्फ एक वीकनेस का फ़ायदा उठा के, यानी कि जो वेनम की एक वीकनेस है उसका फ़ायदा उठाकर वेनम से जीत सकता है, मतलब उसे हरा नहीं पाएगा बट उसे ओवर पावर कर लेगा उस वीकनेस के जरिए। एंड वो वीकनेस जाहिर सी बात है वो है साउंड वेव्स, यानी कि कुछ ऐसे साउंड वेव्स है जिनसे जो वेनम है वो इरिटेट हो जाता है एंड वो कमज़ोर पड़ जाता है। बट भाई सुनो मेरी बात, जो अपना क्रिश है उसे इसके बारे में बताएगा कौन, मतलब अगर क्रिश को पता ही नहीं है वेनम की वीकनेस के बारे में एंड वो लग गए फाइट करने, तो यार जाहिर सी बात है कि वेनम जीतेगा। एंड अब अगर तुम बात करोगे कि भाई नहीं वो सुपर हीरो, उसको वीकनेस का पता चल जाएगा, तो भाई यहाँ पर जो वेनम है उसे भी तो यार क्रिश की वीकनेसेस का पता चल जाएगा, तो यार वो भी उसका फ़ायदा उठा के क्रिश को मार देगा ना, क्योंकि जो क्रिश की सबसे बड़ी वीकनेस है वो है कि उसे किसी भी वेपन से हार्म कर सकते हैं, यानी कि अगर वेनम ने आसानी से बस अपने हाथ में खंजर मारा और खोप दिया क्रिश को, तो यार क्रिश तो वहीं पर ख़त्म हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर यार वेनम ही जीतेगा। एंड गलती से अगर वेनम ने क्रिश को अपना होस्ट बना दिया तब तो लग गए भाई क्रिश के, क्योंकि यार क्रिश की फिर सारी एबिलिटीज़ वेनम के पास ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। एंड यार बैकग्राउंड में बहुत सारी ठक-ठक की आवाज़ आ रही है, तो इसके लिए दोस्तों सॉरी, बट क्या करें यार घर में थोड़ा काम चल रहा है, तो यार इसको प्लीज़ सह लेना, एंड इसके लिए डिसलाइक मत करना यार, थोड़ा बहुत तो चलता है वीडियो में, बैकग्राउंड नॉइज़ कभी कभी आ जाती है, तो इसलिए माफ़ कर देना मेरे को। जो वेनम वर्सेस क्रिश की बैटल है उसका विनर मैंने आप सभी को बता दिया कि हर हालात में वेनम ही होगा। अब बात करते हैं हमारी आज की फाइनल बैटल की, जो कि होने वाली है ग्रीन गोब्लिन वर्सेस शक्तिमान के बीच में।
तो यार देखो जो ग्रीन गॉब्लिन है वो भी हमें देखने को मिला था स्पाइडरमैन की ट्रिलॉजी में, जो कि टॉबी मैक्वायर वाली है, एंड उसके ओरिजिन, बाकी सब चीज़ों के बारे में, पावर्स वो कैसे क्रिएट हुआ, सब चीज़ों के बारे में उसमें देखा था। मुझे बताने की आप सभी को कोई ज़रूरत नहीं है। बट अगर मैं बात करूँ शक्तिमान की, तो यार शक्तिमान को भी हम सभी जानते हैं, उसकी पावर्स एबिलिटीज सब कुछ जानते हैं। सो इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो यार ग्रीन गॉब्लिन कुछ भी नहीं है शक्तिमान के सामने। शक्तिमान उसको आसानी से 5-6 मिनट में डिफीट कर देगा या फिर उससे भी कम समय में हरा देगा। एंड यस, जो अपना शक्तिमान है वो पूरी की पूरी सिनिस्टर सिक्स को अकेले भी बीट कर सकता है। बट यार मुझे लगा कि यार ऐसे एक मज़ा नहीं आएगा, मतलब शक्तिमान अकेले तो बीट कर सकता है, बट यार बाकी सुपर्स को भी तो पता चलना चाहिए इंडिया में उनमें कितना दम है। हर बार ऐसा थोड़ी ना कर सकते हम कि शक्तिमान को सबके साथ बिठा दो, भाई बाकी भी तो सुपर हैं इंडिया में, उनको भी तो लड़ने दो और उनको भी अपने पावर्स दिखाने दो। सो अब बढ़ते हैं हमारे स्कोर बोर्ड की तरफ। तो स्कोर बोर्ड कुछ इस तरह से निकल कर आता है, जो हमारे सिनिस्टर सिक्स है उन्होंने गेन किए हैं 2 पॉइंट्स, बट वहीं जो हमारे इंडियन सुपरहीरोज है उन्होंने गेन किए 3 पॉइंट। तो यार जाहिर सी बात है कि जो अपने विदेशी सुपर विलन्स है वो हरा नहीं पाएंगे हमारे इंडियन सुपर हीरोज को। तो बस यार आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो कहीं से भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना, नहीं आएगा चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, एंड हो सके तो इस वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। एंड यार बस अब मैं और क्या ही बोलूँ, बहुत ठक ठक हो रही है कसम से, अब वीडियो को एंड करने का टाइम आ ही गया है। और बाकी यार अगर किसी टॉपिक का सजेस्ट देना हो तो यार कमेंट आप सभी के लिए खुला कमेंट बॉक्स, उसमें कमेंट कर देना। एंड आप मेरा ओपिनियन वैसे अलग हो सकता है, आपका भी अलग हो सकता है इस टॉपिक के प्रति, तो यार हर्ट मत हो जाना कि भाई आपने इसको क्यों हराया, इसको क्यों जिताया, तो ये चलता रहता है दोस्त। आपका ओपिनियन अलग हो सकता है, मेरा अलग हो सकता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है इसमें हर्ट होने की। तो आप अपना ओपिनियन बता देना कमेंट बॉक्स में। सो नाउ गुड बाय अगेन, बाय बाय, एंड नेक्स्ट वीडियो धमाकेदार होगी, तो यार बेल आइकन दबा देना। सो गुड बाय अगेन, बाय बाय।